हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। दोस्तों आज हमारे पास जो है बच्चों की फेवरेट रिमोट कंट्रोल कार, और इसके अंदर भी जो है हमारे पास अभी दो कलर्स अवेलेबल है, और वैसे जो है इसके अंदर चार डिफरेंट कलर्स आते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास दो है, एक सिल्वर है और एक जो है रेड है। तो वेवा टॉयज करके कंपनी है जिन्होंने ये जो है रियलिटी रेसिंग कार जो है बनाई हुई है, और इसके अंदर जो है 3.7 वोल्ट वाली जो है लिथियम बैटरी जो है आती है, यूएसबी चार्जिंग केबल आता है, फोर डायरेक्शन कार है, सुपर स्पीड हाई परफॉर्मेंस रिमोट कंट्रोल कार है, 4 साल से बड़े बच्चे जो है इससे खेल सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसका पीछे का पार्ट जो है देख लेते हैं, और यहाँ पे आपको रिमोट कंट्रोल जो है इस तरीके का मिल जाएगा, 27 MHz का है, जो कि एकदम हाई फ्रिक्वेंसी इसको नहीं माना जाता है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपको दो डबल ए बैटरी रिमोट के अंदर डालनी पड़ेगी, और इसके अंदर जो है आप चार्जेबल बैटरी को डाल सकते हैं, ओके। और इसके चार्जिंग करने के लिए इसको आपको खोल के करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच आ जाएगी, यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाएगा आपके फ्रंट व्हील का, और पीछे जो है हमारी मोटर वगैरह आती है दोस्तों। तो ये जो है आपको 800 रुपये के आसपास में जो है, वैसे इसकी MRP जो है 999 रुपीज़ है, बट आपको जो है ये 800 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगी। इसके अंदर तीन मॉडल्स हैं दोस्तों, और तीनों के अंदर जो है अलग अलग कलर वेरिएंट्स आते हैं, और ये वाला मॉडल जो है VERC 3456 करके है ना, ओके। एक्चुअल में हमारे पास ये कार, ये मॉडल का एक कलर है और ये मॉडल का एक कलर है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, फॉरवर्ड रिवर्स लेफ्ट राइट एंड लाइट यहाँ पे होती है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो चलिए अब जो है इसको खोल के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों मॉडल और सभी जो है इसकी कलर्स बहुत बढ़िया है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएंगी। तो ये जो है आप अपने बच्चों को बर्थडे पे क्रिसमस गिफ्ट के रूप में भी आप दे सकते हैं, बर्थडे गिफ्ट में भी आप दे सकते हैं, और समर विंटर वेकेशन के टाइम पे भी आप इसको ख़रीद के दे सकते हैं। बच्चा कुछ अचीव करके आता है और एज ए रिवॉर्ड आपको देना है। फिर यहाँ पे जन्माष्टमी के टाइम पे अगर आपको कुछ ख़रीद के देना हो तो उस टाइम पे भी आप इसको ख़रीद के दे सकते हैं। तो अलग अलग ओकेजन के हिसाब से इसको आप दे सकते हैं। आप अपने भांजे भतीजियों को मिलने जा रहे हो और उनको कुछ ख़रीद के देना हो तो उस टाइम के लिए भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं, चाहे तो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से जो है इसकी एसेसरीज आती है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा ही है। तो ये आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त मॉडल है, प्लास्टिक का जो है क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और काफ़ी मतलब वेट है इसके अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर और इसका ये जो सरफेस है इसके बीच में, मतलब ये ज़मीन से एकदम लगोलग चलेगी, तो ये इंडियन रास्ते पर आप चलाएँगे तो ज़्यादा जमेगा नहीं। यहाँ पर अलाइनमेंट का जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑन ऑफ स्विच है, इसके अंदर जो है आपकी चार्जेबल बैटरी लग जाएगी इस तरीके से। तो इसको जो है अगर आपको चार्जिंग करना हो तो इसको खोल के फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इसको चार्जिंग पे आप लगा सकते हैं, ये केबल के अंदर लगा के। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में समझाया हुआ है। तो दोस्तों इसके जैसी काफ़ी सारी रिमोट कार जो है उसको हमने रिव्यू किया हुआ है, तो इसकी जो है वीडियो प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो उसको आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कर दीजिएगा दोस्तों, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे सही तरीके से रख के इसको हम बंद कर देते हैं, ओके। और इसका जो है रिमोट है तो इसके अंदर भी बैटरीज लग जाएगी इस तरीके से। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं बता तो रहा हूँ बट इतना यूज़फुल नहीं है। और ये मॉडल जो है उसको भी आपको दिखा देता हूँ, तो ये भी जो है काफ़ी बढ़िया SUV है, ये रेसिंग कार है। तो ये कौन सा मॉडल है कार का अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मुझे डुकाटी लग रही है, बट फिर भी अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कौन सी SUV है वो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे टायर जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, और यहाँ पे इसमें भी अलाइनमेंट है। तो चलिए जो है हम, और ये इसका चार्जिंग केबल मैं आपको दिखा देता हूँ, लेंथ काफ़ी बढ़िया लग रही है बट फिर भी जो है ओके, काफ़ी अच्छी लेंथ है दोस्तों, नहीं तो इतना सा जो है इसका चार्जिंग केबल देते हैं ये लोग, क्योंकि काफ़ी छोटा पड़ता है दोस्तों। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा इसको हम ऑन करके देखते हैं कैसा चल रहा है इसको, बाकी हम टेस्ट भी करेंगे अच्छी तरीके से। एक सेकंड, ये तो मैंने ऑफ कर दिया, ओके। ये जब आगे का करते हैं तो लाइट होती है इस तरीके से, और टायर की आप स्पीड देख लीजिए, बहुत बढ़िया।
रिवर्स में लाइट नहीं होती है, फॉरवर्ड में लाइट होती है। इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और इसको तो ये एक्चुअल में सेम फ्रीक्वेंसी पे ही सब रिमोट चलते हैं, तो किसी भी कार के अंदर कोई भी रिमोट आप चला सकते हैं दोस्तों ज़्यादातर केस में। इसमें भी वही है, फॉरवर्ड पे लाइट होती है और ये इसके अंदर अगर आपके पास वो स्टेयरिंग वाला ग्रेविटी वाला जो है रिमोट कंट्रोल है तो आप इसके अंदर भी उसको यूज़ करके खेल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब जो है इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं दिखाने का, बट इसको जो है अब हम रोड पे जाके टेस्ट करते हैं। रोड इन द सेंस मेरे यहाँ पे तो टेरेस है, उसमें हम टेस्ट करेंगे। तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसके जैसे जितने भी हमने आरसी कार्स बनाए हैं, काफ़ी सारे बनाए हैं, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। और इसके जो और भी मॉडल्स हैं दोस्तों यहाँ पे दिखाए गए और कलर्स हैं मॉडल्स हैं, उसको भी हम कुछ समय के अंदर जो है अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है कॉम्बिनेशन करने जाए तो 9 डिफरेंट काइंड ऑफ कार है, 3 मॉडल और 3-3 कलर है, 3 या तो 4 कलर्स है, तो उसके हिसाब से 12 या तो 9 से 12 के बीच में आपको एक रेंज मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए जो है अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं।